नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं एडवांस iOS 16 थीम के बारे में, जो कि आप Redmi Xiaomi Poco डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर हम iOS 16 का जो लॉक स्क्रीन है उसे हम एनेबल करने वाले हैं MIUI 12 MIUI 13 के साथ। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सभी थीम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके सभी थीम को डाउनलोड कर सकते हो। एंड सभी थीम को सिंपली यहाँ पर जो थीम स्टोर से डाउनलोड करना होगा, एंड सभी थीम को डाउनलोड करने के बाद अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना होगा। यहाँ पर सभी जो थीम है MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 13 के साथ काम कर जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है Xiaomi MIUI 2 डिवाइस के साथ MIUI 12.5 के साथ ये सभी जो थीम हम अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते पर इस थीम के बारे में, तो इस थीम को सिंपली अप्लाई करते हैं। इस थीम के साथ जो है iOS का जो यहाँ पर लॉक स्क्रीन है ऐड किया गया है। थीम को अप्लाई करने के बाद फोन के ऊपर जरूर से रीस्टार्ट करना होगा। तो ये जो थीम है उससे अप्लाई हो गया है। तो इस थीम को अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें ऐप आइकॉन के बारे में, इस थीम के साथ कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन देने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लॉक विजेट्स को भी ऐड किया गया है। अगर आप फोन को रीस्टार्ट करोगे तो थीम जो है और भी अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो पर ऐप आइकॉन देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ ये जो ऐप आइकॉन है पर काम नहीं करता है। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है पर UI देने को मिल जाएगा। ये सभी आइकॉन को ऐड किया गया है। कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो है कुछ इस तरह से आइकॉन देने को मिल जाएगा। एंड कुछ इस तरह से आइकॉन देने को मिलता है कंट्रोल सेंटर के साथ। डायलर की अगर बात करें इस थीम के साथ, कुछ इस तरह से डायलर का जो UI है देने को मिल जाएगा। इस तरह से जो है डायलर का जो UI है ऐड किया गया है। अगर बात करें पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में, पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है पर UI के ऊपर कुछ चेंजेस देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर सेटिंग्स मेनू के साथ जो है कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। पर सेटिंग्स मेनू जो है कम्प्लीटली पर रीडिजाइन हो गया है। कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन के ऊपर चेंजेस देने को मिल जाएगा। इस तरह से पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर ऐसे भी जो आइकॉन है अवेलेबल इस थीम के साथ। एंड अगर बात करें पर माई डिवाइस के बारे में, पर जो है माई डिवाइस के ऊपर कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेटिंग्स मेनू जो है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। सिंपली यहाँ पर हम MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करते हैं, पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। पर जो ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है इस थीम के साथ। प्लस यहाँ पर MIUI 12 के साथ जो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है पर UI देने को मिलेगा। अगर बात करें वॉल्यूम पैनल के साथ जो कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का जो है UI देने को मिल जाएगा। पर वॉल्यूम पैनल के साथ जो है पर कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलेगा इस थीम के साथ। बढ़ते हैं पर जो है लॉक स्क्रीन की तरफ। तो पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है इस सभी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर फ्लैश का ऑप्शन है, कैमरा का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो कुछ इस तरह से आप जो है फोन को अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, लॉक स्क्रीन के साथ जो पर क्लॉक यूजर्स को ऐड किया गया है, वेदर यूजर्स का ऑप्शन और बैटरी पार्टिसिपेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से पर जो है लॉक स्क्रीन का जो UI है देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। काफी बढ़िया बात है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। सिंपली जो नेक्स्ट जो थीम है, नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने इस थीम को अप्लाई किया है, देखते हैं इस थीम के साथ कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो थीम है, इस थीम के साथ जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी जो आइकॉन पैक है पर काम कर जाएगा इस थीम के साथ। काफी बढ़िया बात है। पर जो है एनिमेशन को भी ऐड किया गया है। प्लस पर जो है डबल क्लिक करने से पर जो अलग अलग जो क्लॉक स्टाइल है ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से डिफरेंट क्लॉक स्टाइल देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। काफी बढ़िया बात है। तो डिफरेंट यहाँ पर जो है क्लॉक स्टाइल को ऐड किया गया है इस थीम के साथ। अगर बात करें पर ऐप आइकॉन के बारे में, कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन देने को मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट ऐप आइकॉन देने को मिलता है इस थीम के साथ। प्लस कुछ इस तरह से एनिमेशन को भी ऐड किया गया है, पर क्लॉक एनिमेशन जो है पर काफी बढ़िया है। यहाँ पर इस थीम के साथ जो है काफी बढ़िया ऐप आइकॉन देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, इस थीम के साथ कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर का जो है UI देने को मिलेगा। इस जो ऐप आइकॉन है ऐड किया गया है कंट्रोल सेंटर के साथ। तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर का जो UI है काफी बढ़िया है। इस तरह से ऐप आइकॉन देने को मिल जाएगा। काफी डिफरेंट, काफी यूनिक ऐप आइकॉन देने को मिलता है। डायलर की अगर बात करें, कुछ इस तरह से डायलर का जो UI है देने को मिल गया है। पर जो डायलर है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से डायलर के साथ जो है UI देने को मिलेगा। यानी यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा डायलर के साथ। काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है कुछ इस तरह से चेंजेस देने को मिल जाएगा। तो डायलर प्लस मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस देने को मिल जाएगा। या पर वॉल्यूम पैनल के साथ जो पर कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिला है। पर वॉल्यूम पैनल के साथ जो पर कोई भी चेंजेस नहीं है।
अगर बात करें सेडिस मनु के बारे में, सेडिस मनु जो है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से सेडिस मनु के साथ जो है पर यूआई देने को मिल जाएगा। इस तरह से जो ऐप आइकन है ऐड किया गया है सेडिस मनु के ऊपर, काफी बढ़िया बात है। माई डिवाइस की अगर बात करें, माई डिवाइस के ऊपर जो ऐप आइकन है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से माई डिवाइस के ऊपर जो है ऐप आइकन के ऊपर चेंज देने को मिलेगा। पर जो सेडिस मनु है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, रीडिजाइन सेडिस मनु देने को मिलता है। अगर बात करें कंट्रोल सेंटर के बारे में, हम सिंपली MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करते हैं, पर MIUI 11 के साथ जो है कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है UI देने को मिलेगा। पर इस तरह से पर जो है ऐप आइकन को ऐड किया गया है कंट्रोल सेंटर के ऊपर। एंड पर MIUI 12 के साथ जो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है UI देने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये जो थीम है काफी बढ़िया है। अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, इस थीम के साथ जो है लॉक स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से ये सब जो ऑप्शन है अवेलेबल है। अलग अलग जो स्टाइल है ऐड किया गया है, प्लस ये पर जो है यहाँ पर अलग अलग जो ऑप्शन है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर जो अलग अलग जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर डार्क मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो ये पर अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन देने को मिल जाएगा। पर वेदर वेजर्स का ऑप्शन है, बैटरी पार्टिसिपेशन का ऑप्शन है, पर ब्राइटनेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ब्राइटनेस वर्क का जो यूआई है काफी बढ़िया है। प्लस पर जो फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, पर जो स्टेप काउंटर को ऐड किया गया है। अगर आप यहाँ पर स्वाइप करोगे तो यहाँ पर जो है स्टेप काउंटर, बैटरी परसेंटेज, वेदर यूजर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो लॉक स्क्रीन का जो यूआई है इस थीम के साथ काफी बढ़िया है। काफी डिफरेंट लॉक स्क्रीन का जो यूआई है देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। आप जरूर से इस थीम को चेकआउट करके देखो। बढ़ते हो नेक्स्ट थीम की तरफ। सिंपली हमने जो है इस थीम को अप्लाई किया है, देखते हैं इस थीम के साथ कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते इस थीम के साथ जो पर ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली इस थीम के साथ जो पर वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सैमसंग का जो वॉलपेपर है, सॉरी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वन प्लस का जो वॉलपेपर है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। अलग अलग जो वन प्लस का जो वॉलपेपर है ऐड किया गया है इस थीम के साथ। यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ जो ये जो ऐप आइकन है पर काम नहीं करता, बट यहाँ पर सिस्टम एप्लीकेशन के ऊपर जो कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया बात है। काफी यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिलते हैं। पर नेबर सेल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से पर जो है क्लॉक विजर्स देने को मिलेगा। एंड कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें, पर MIUI 12 के साथ जो है कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर का जो UI है देने को मिलेगा। यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर को ऐड किया गया है ब्राइटनेस बार के साथ, जो पर राउंडेड कॉर्नर का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है पर UI देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर सीरीज मेनू के बारे में, पर जो है सीरीज मेनू के ऊपर कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। पर जो सीरीज मेनू है कम्प्लीटली पर रीडिजाइन हो गया है, कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। पर माई डिवाइस की अगर बात करें, कुछ इस तरह से माई डिवाइस के साथ जो पर UI देने को मिल जाएगा। इस तरह से ये सभी जो ऐप आइकन है ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर हम MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करते हैं, पर MIUI 11 के साथ जो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो पर UI देने को मिलेगा। पर MIUI 11 के साथ जो है पर कंट्रोल सेंटर का जो UI है काफी डिफरेंट है। कुछ इस तरह से MIUI 11 के साथ कंट्रोल सेंटर का जो UI है देने को मिलेगा। अगर बात करें वॉल्यूम पैनल के साथ जो है पर कोई भी चेंज देने को नहीं मिलता है। अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, इस थीम के साथ कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ जो है पर UI देने को मिल जाएगा। इस तरह से इस सभी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट जो थीम है, नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते हैं। तो थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीसेट करना होगा, रीसेट करना जरूरी है। तो ये जो थीम है उसको अप्लाई हो गया है। इस थीम के साथ सबसे पहले पर जो ब्लूटूथ आइकन एंड बैटरी पार्टिसिपेशन के ऊपर चेंज देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर क्लॉक विजर्स के बारे में, जो है बैटरी पार्टिसिपेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है इस थीम के साथ, जो है कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिलेगा, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ जो है जो ऐप आइकन है यहाँ पर काम नहीं करते। कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, पर MIUI 11 के साथ कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो है कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। पर ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है कंट्रोल सेंटर के ऊपर, जो काफी बढ़िया ब्लर देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर डायलर के साथ कोई भी चेंज नहीं है। मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेडिस मेनू की अगर बात करें, पर जो सेडिस मेनू है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से सेडिस मेनू के साथ जो है यहाँ पर UI देने को मिलेगा। यहाँ पर माई डिवाइस के ऊपर भी कोई भी चेंज नहीं है। सिंपली हम यहाँ पर MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करते हैं, पर MIUI 12 के साथ जो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है पर UI देने को मिल जाएगा। पर राउंडेड कॉर्नर को ऐड किया गया है। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम जो तरफ। तो सिंपली जो नेक्स्ट जो थीम है, नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते हैं। तो ये जो थीम है, इस थीम को हमने अप्लाई किया है। इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। पर ऐप आइकन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिलता है। पर
कुछ इस तरह से जो वॉलपेपर भी देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर कॉन्ट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से कॉन्ट्रोल सेंटर के साथ जो है इस थीम के साथ यूआई देने को मिलेगा, काफी डिफरेंट है। एंड सीरीज मोड की अगर बात करें तो इस थीम के साथ कुछ इस तरह से सीरीज मोड के साथ जो है पर यूआई देने को मिल जाएगा। माई डिवाइस के ऊपर जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलता है। अगर बात करें पर सिंपली एमआईयूआई का जो कंट्रोल सेंटर से ट्राई करते तो कुछ इस तरह से एमआईयूआई 12 के साथ जो पर कंट्रोल सेंटर का यूआई देने को मिलेगा, यानी पर एमआईयूआई 11 के साथ जो पर कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है देने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें लोकेशन के बारे में इस थीम के साथ कुछ इस तरह से लोकेशन के साथ जो यूआई देने को मिलेगा, पर वो इधर यूजर्स स्टेप काउंटर का ऑप्शन है, ऊपर कैमरा का ऑप्शन है, इस तरह से इस जो ऑप्शन से ऐड किया गया है लोकेशन के साथ। आप डेफिनेटली इस थीम को आप ट्राई करके देख सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।